आज जो यहाँ पर हमारे पास में गेस्ट हैं बैक स्टेज में उनके फादर साइकिल रिपेयर का काम करते थे और 250 रुपए पर डे कमाते थे आज की डेट में ये लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं एंड एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वॉम वेलकम टू दन एंड ओनली मनोज दे अरे अरे आओ चले चले प्लीज बैठे बैठे इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ या ऑडियंस कुछ बोले अगर आपके मन में कुछ है यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म पे आपको कैसा कैसे मैं सर एक बात है तो बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्या आप हमेशा सर बोलते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ आसान है वो चीज़ आज रियलिटी में हाँ मुझे लगा आसान है क्योंकि ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं आपके साथ बैठा हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस गाँव से बिलोंग कर रहा हूँ ये गाँव में मैं रहता हूँ वहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में सबसे पहले वहाँ कोई नहीं जानता था तो कुछ भी यूट्यूब के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था सिर्फ वीडियोज़ लोग देखते थे यूट्यूब पर और मैं भी एक व्यूअर ही था यूटूब पर वीडियोज़ देखता था आपके भी काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं तो वहाँ पर देखते देखते फिर मुझे आ, मतलब पता चला धीरे धीरे कि YouTube पे मतलब मैंने खुद से आइडिया लगाया एक तरह से सर्च किया कि आखिर लोग वीडियोस डालते क्यों हैं डालते हैं इतना मेहनत करके वीडियो एडिट कर रहे हैं शूट कर रहे हैं डाल रहे हैं कुछ तो बेनिफिट जरूर है वहाँ से तो ही तो डाल रहे हैं इतना तो किसी के पास बेकार टाइम होगा नहीं फिर मैंने वहाँ से फिर पता करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि हाँ यूट्यूब पर हम लोग वीडियोज़ डाल करके फेमस हो सकते हैं लोग पहचानेंगे पॉपुलर हो सकते हैं मैंने पैसे के बारे में मुझे नहीं पता था कि वहाँ से हम पैसा भी कमा सकते हैं यूट्यूब से तो मुझे फेमस होने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था कि मैं पॉपुलर हो जाऊँगा लोग मुझे पहचानेंगे मेरे से ऑटोग्राफ लेंगे सेल्फीज लेंगे फिर मैंने स्टार्ट किया उसके बाद धीरे धीरे फिर जब मैंने स्टार्ट किया चैनल तो फिर यूट्यूब के बारे में जानना शुरू किया थमलेल कैसे बनाएंगे वीडियोज़ कैसे अपलोड करेंगे कैसे क्या करें फिर उसी बीच पता चला कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है तब तो और मोटिवेशन जाग गया कि हाँ पैसे को तो तब आपकी ही ही नहीं आपकी एज कितनी थी तब मेरी एज थी दो हजार सोलह में उन्नीस साल के करीब तो सीखा कहाँ से आपने कि किस तरह से वीडियो बनाए बनाया सबको यूट्यूब से ही सीखा यूट्यूब अच्छा। से वीडियो देख देख करके बाकी फिर यूट्यूब को पूरा सेटिंग वगैरह का जो स्टूडियो वगैरह होता है उसको छेड़ करके सारा फंक्शन के बारे में सीखना जानना क्योंकि उस टाइम यूट्यूब के बारे में भी उतने वीडियो नहीं हुआ करता था यूट्यूब पे जैसे अभी तो एक एक पॉइंट पे वीडियोस मिल जाता है बट उस टाइम नहीं हुआ करता थामनेल को थमनेल बोलते हैं ये वर्ड भी मुझे नहीं पता था लाइक like, हम उसको पोस्टर है तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था तो पोस्टर यूट्यूब पोस्टर कैसे बनाए फिर आपने सीखा कि थंबनेल थंबनेल कैसे कैसे बनाते है, कैसे बनाते हैं हैं हाँ। आपको पहली सक्सेस कब मिली यानी आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था यूट्यूब के करियर में कौन सी ऐसी पहली वीडियो थी आपकी जो कि वायरल हुई या जिसपे व्यूज ज्यादा हुए जहां से कि आपको लगा कि हाँ आप इसको थोड़ा सीरियसली कर सकते हैं एक वीडियो मैंने डाला था जब मेरे थर्टी के अप्रोक्स सब्सक्राइबर हो चुके थे उस टाइम मैंने वीडियो डाला था कि मैं वीडियो बनाता कैसे हूँ तब मैंने अपने वहाँ पर मैंने दिखाया था अपना पूरा स्टूडियो जहाँ पर तो स्टूडियो वगैरह तो कुछ भी नहीं एक स्टूल था प्लास्टिक का और सीढ़ी था स्टेयर्स था तो वहीं पे मैं फोन किस तरह का रखकर यह वीडियो बनाता था ना माइक था ना ट्राईपोड था कुछ भी नहीं और एक बेसिक सा कैमरा हुआ करता था फोन का पाँच हजार रुपये का एक एंड्रॉइड फोन था तो उसी से मैं वीडियोस बनाता था तो वो वाला मैंने वीडियो बना करके डाल दिया कि मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को काफ़ी पसंद आया वो वीडियो कि जब ये लड़का यहाँ से जब कुछ भी इसके पास है नहीं कुछ सुविधा नहीं फिर भी तैंतीस सब्सक्राइबर बना लिया तो हम लोग नहीं कर सकते और उस वीडियो पे कितने व्यूज आए थे और कितने टाइम में आए थे सेवन uh, हंड्रेड के अप्रोक्स व्यूज हो गए थे दो चार दिन में दो चार दिन में yes, दो चार दिन में मतलब करीब करीब सात लाख व्यूज हो गए बिग थिंग जी ये बात कब की है 2016 की या 2017 की? ये 18 की दो साल मेहनत करने के बाद अच्छा दो साल तक तो आप सीखते रहे ट्राई करते हाँ, रहे अलग, हाँ, चीज़े कुछ अलग अलग चीजेंट आया दो हजार अठारह में यस तो अभी आपको नियर अबाउट चार साल हो गए है ना तो जो भी आपने अचीव किया ये जो तेतीस से तीन मिलियन तक का सफर है ये आपने चार साल में क्रॉस किया चार साल में वहां से आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया हाँ होगा कि अब हाँ, कुछ बड़ा हो सकता है हाँ वो जब वीडियो वायरल हो गया तो मैंने फिर अपने घर का एक वीडियो बना दिया तो दिखाया कि मेरा खुद का घर ही नहीं है मतलब एक कच्चा मकान हुआ करता तो उसमें सारे फैमिली रहते थे और मैं किसी बगल के मतलब मेरे पड़ोस के घर में वहाँ पर जाके वीडियो बनाता था मेरा खुद का घर नहीं था वहीं पर सारा फैमिली रहता था एक ही कच्चा मकान था तो वो वाला मकान का ही वीडियो बना दिया कि ये देखिए ये हमारा माई स्वीट होम इस तरह करके टाइटल है और मतलब एक तरह का ब्लॉग बना दिया हाँ व्लाग बना दिया वो ब्लॉग भी वायरल हो गया तो मैंने वीडियो शूट तो कर लिया बट उसको अपलोड करते टाइम मैं सोच रहा था मतलब मैं खुद ही नहीं कर रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कैसे घर से रहता है कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है कुछ भी नहीं है like लाइक मैं वहाँ पर उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता था एक अच्छे से कोचिंग में पढ़ता था तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे घर के स्टूडेंट्स लोग पढ़ते थे वो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर थे मेरे चैनल को फॉलो करते थे तो मैं सोच मैं सोच रहा था कि ये डाल दूंगा तो वो लोग को पता चल जाएगा ये तो इतना गरीब घर से रहता है इसका घर भी नहीं है खुद का फिर वो मतलब अपलोड करने का मन नहीं हो रहा था फिर कर दिया तो वहीं से टर्निंग पॉइंट भी आ गया

उसके बाद तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक फिर तो आप बनाते चले गए हाँ, होगे धड़ाधड़ उसके बाद मेरा तो पहले मतलब मैं YouTube रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं दिया करता था पहले मैं Android रिलेटेड जैसे कोई एप्लीकेशन का रिव्यूज वगैरह करना ये सब डालता था अच्छा मतलब बेसिकली इट वाज मोर ऑफ अ टेक चैनल टेक चैनल हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि YouTube रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर दिया कि YouTube के बारे में सिखाऊंगा आप लोगों को जब मैं कमा रहा हूँ मैं YouTube पे कुछ थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बना लिया मेरा पेमेंट वगैरह आ गया तो अब लोगों को मैं सिखाना शुरू करता और उस टाइम पे जब आपने वीडियोस बनाई आप कितना कमा रहे थे YouTube से नियर अबाउट उस टाइम महीने महीने में का कमाना, कमाना शुरू कर दिया था विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट इज अ वेरी बिग अमाउंट हाँ बहुत बड़ा क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं बिल्कुल वहां पर देखा जाए तो आपके घर वाले तो खुश हो गए होंगे पंद्रह बीस हजार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग और आज कितने खुश है वो आज तो बहुत ज्यादा खुश थे आज उन लोगों को बिलीव ही नहीं होता मतलब खुद वो लोग सोचते हैं पापा लोग की मतलब कि जैसे सपना देख रहे हैं कुछ <laughs> आपने उसी गांव में जहां पे आप रहते थे वहीं पे घर बनाया है या अब वहां से शिफ्ट हो गए नहीं वहां से मेन सिटी जो अभी तो गांव में मैं रहता तो एक मेन सिटी में, में जाके खुद का प्लॉट खरीदा हुआ है वहां पर फिर घर बना रहा हूं बड़ी जमीन लेकर बड़ी जमीन ले। दो चार हजार गज की पांच एकड़ के करीब मैंने मजाक में बोला था लेकिन मजाक मेरे पे उल्टा पड़ गया मैंने बोला दो चार हजार गज ये कह रहे हैं पांच एकड़ पांच एकड़ का मतलब पता है कितना होता है बीस हजार गज से भी ज्यादा राइट right? राइट right. चौबीस हजार गज पता नहीं घर बना रहे मेल बना रहे क्या बना रहे <laughs> भाई अगर मैं कभी वहां आऊंगा तो मेरे को एंट्री एंट्री मिल जाएगी भारे या कुत्ते छोड़ दोगे मेरे पीछे मतलब क्या अरे सर आप आओगे तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा अरे वाह क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? कहाँ पे बना रहे हो आप धनबाद में बना रहे हो धनबाद में मैं आपका क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे जितना भी आप शेयर कर सकते हो कौन सी गाड़ी रखते हो और कितना नियर अबाउट नियर अबाउट कितना अर्न कर लेते हो आप महीने का अभी के टाइम पे सर जो एक होना चाहिए एक इंसान के पास वो सब कुछ है लगेगा अच्छा घर भी है एक अच्छी कार है टाटा हैरियर मैंने खुद से खरीदे हुआ है यूट्यूब से ही पैसा अर्न करके एंड आज के डेट में मैं लाखों रुपया अर्न कर रहा हूँ यूट्यूब से अब आपका मोटिवेशन क्या है अब तो आप पैसा कमा रहे हो आपके पास में इतना बड़ा घर है बड़ा घर बड़ी गाड़ी सब कुछ है आपके पास में तो अब आप जो कर रहे हो काम उसके पीछे वजह क्या है क्या सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है नहीं सर अभी एक्चुअल मैं सामाजिक काम भी बहुत सारा कर रहा हूँ लाइक क्या होता है कि जैसे कोई अगर यूट्यूबर बनना चाह रहा है और उसके अंदर में वो टैलेंट है अगर मुझे लगा कि हाँ ये कर सकता है कुछ और वो अगर कुछ अच्छा एफोर्ड नहीं कर पा लाइक लाइक उसके पास अच्छा फोन ना हो या तो कैमरा नहीं है माइक नहीं तो मैं गिफ्ट करके उसका यूट्यूब चैनल खुद ओपन करके देता हूँ सोशल मीडिया पे जितना भी अकाउंट्स वगैरह खोल देता हूँ अगर वो मैनेज नहीं कर पाता तो मैं खुद से मैनेज करवाता हूँ मैंने टीम बैठा के रखा हुआ है आपकी कितनी बड़ी टीम है अभी आज की डेट में आज की डेट पे दस बारह लोग दस बारह लोग आपके यहाँ पे फुल टाइम बेसिस हाँ, पे काम कर टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं और घर पे भी काफी लोग आ जाते हैं मिलने के लिए जैसे एड्रेस वगैरह थोड़ा ये हो गया ब्लॉग्स वगैरह की वजह से तो घर पे भी बहुत कोई बहुत कुछ जैसे एडसेंस में उसको प्रॉब्लम हो रहा है गूगल एडसेंस में नहीं हो पा रहा बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहा पिन नहीं आ रहा कुछ भी प्रॉब्लम होता है यूट्यूब रिलेटेड

करता हूँ तो ये जज्बा कौन से आया आपके अंदर ये हेल्प करने का मैं अपने ओल्ड डेज को याद करता हूँ तो लगता है कि हाँ एक्चुअल में नीड होता है काफ़ी लोगों का जो वो एफर्ट नहीं कर पाता है बट उनको अगर वो चीज़ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है अपना लाइफ में आपकी बहुत वीडियोज़ देखे हैं थैंक यू एक्चुअली मैंने अभी जून में ही स्टार्ट किया था मेरे चैनल का जो मोटिव है वो है कि लोगों का इंडिया की तरफ परस्पेक्टिव चेंज करना लाइक सब नेगेटिव बातें बोलते हैं लेकिन कोई पॉजिटिव बात नहीं करता मतलब बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं तो वो मैं उसमें बनाती हूँ एंड मेरा आशिमा गुप्ता ए जी करके मेरा चैनल है एंड उसमें अभी हंड्रेड सब्सक्राइबर्स हुए हैं मन करते हैं किसी के साथ वीडियो बनाने का मतलब ज़्यादा बड़े लोग नहीं जैसे छोटे सब्सक्राइबर्स वाले लोग जो होते हैं तो उनको कैसे क्या बात करूँ उनसे वो वो तो बहुत आसान है आप बताना चाहेंगे ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि कोलैब कैसे किया जाए कोलैब अगर मैं बोलूँ तो देखिए सर पहले तो फर्स्ट सीढ़ी जो है वो खुद से चढ़ना पड़ता है उसके बाद ही लोग आपसे कोलैब करेंगे ये रियलिटी है क्योंकि आप जिनको आप अप्रोच करोगे उनको आपसे अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो वो आपके साथ कॉलेब नहीं करेगा काफ़ी कम ही लोग ऐसे होते हैं कि चलो विदाउट बेनिफिट में चलता हूँ आपके चैनल में मैं आ जाता हूँ बट आपको तो फर्स्ट सीढ़ी खुद से चढ़ना ही पड़ेगा मैंने भी काफ़ी बड़े बड़े, बड़े यूट्यूबर्स को स्टार्टिंग डेज में, में, में मेल किया था सर मेरे साथ मिल लो एक मिलकर वीडियो बना लूंगा बट कोई रिप्लाई नहीं करते ना क्योंकि उनके पास वो हजारों हजारों मेल आते हैं रोज के इस तरह तो आपको खुद का पहचान तो खुद स्टार्टिंग में बनाना ही पड़ेगा ताकि लोग आपको पहचाने वही कर रही है मैं अब बस मेहनत करना मेहनत कर रहे हो लोगों को

ने अच्छा सर इनका कंटेंट अच्छा है जैसे ये वो बता रही है वो करना भी चाहिए अगर आपका चैनल मतलब इनका चैनल अगर बड़ा हो जाता है आपका तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होंगे काफ़ी लोग कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हाँ इंडिया भी आज के डेट पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, है जैसे आज मेरे भी अगर तीन मिलियन सब्सक्राइबर है तो काफी सारे लोग जो मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर है वो गाँव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं जो मेरे से रिलेट कर पाते हैं वो लोग सोचते हैं कि हाँ जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ पाया तो हम लोग क्यों नहीं तो आज मैंने तीन मिलियन लोगों को जोड़ दिया यूट्यूब पर जो एक्चुअल सब यूट्यूब कर रहे हैं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप भी ये काम करें बहुत तो अच्छा लगा आप कंटिन्यू करो मेहनत बोलते हैं कि ये पूछना चाह रहा था टू थाउजेंड सिक्सटीन में मेरा कॉलेज टाइम चल रहा था मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया एक वीडियो शूट करी एडुकेशन रिलेटेड बट हुआ गया फैमिली प्रेसर इनकम आपको जनरेट करना है आपकी फैमिली के लिए फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है वैसे सिचुएशन में ये हो जाता है आप पहले यूट्यूब करना चाहते हैं या फिर पहले अपनी फैमिली को संभालना चाहते हैं मैंने डिसीजन लिया मैंने गवर्नमेंट जॉब का ही ट्राई किया एटीन की एज में गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया अभी तब से लेकर के अभी तक देखता हूँ कि मैंने छः साल गवर्नमेंट जॉब कर ली बट जहाँ तक मैं पहुँचाऊँ जहाँ तक आप पहुँचे मैं बता रहा हूँ अभी भी आप धनबाद में जाएंगे आई टी आई हैं पॉलीटेक्निक्स हैं काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं जिनके घर में खाने का पैसा नहीं है वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सारे दिन काम कर रहे हैं बट मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा तो मैं पहले ये बोलना चाहूंगा देखिए जो गांव के जो लोग होते हैं जैसे हम मैं अभी गांव से बिलोंग करता हूँ उन लोगों का माइंड सेट तो एक बैठा हुआ है कि बच्चों को अगर सक्सेस करवाना है तो उसको पढ़ा लिखा करके जॉब पकड़ा देना है चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या फिर गवर्नमेंट जॉब करे अब उन लोगों को पल्ले तो पढ़ता नहीं है देखो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह उनको नहीं समझ में आता अभी भी सिक्योरिटी फील नहीं होता जैसा अभी भी अगर मैं रियलिटी बताऊ तो पापा अभी भी बोलते हैं कि ये सब कितना दिन चलेगा आज चल रहा है कल नहीं चलेगा ऐसे बोलते हैं ठीक है तो मैंने उनको आपको देखिए एग्जाम्पल तो खुद सेट करना पड़ेगा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा जब तक उनको प्रूफ नहीं करके दिखाओ तब तक वो तो आपको अच्छा नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम सही काम नहीं कर रहा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो मेरे पापा भी वैसे ही बोलते थे कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो सरकारी नौकरी लो रेलवे में जॉब करना बैंकिंग में जॉब करो बट मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया मुझे काफ़ी अच्छा लगता था टैक्ट वीडियोज़ बनाना तो उनको प्रूफ सेट करके दिखाया मैंने कि हाँ यूट्यूब से हम अच्छा खासा कर सकते हैं कुछ लाइफ में और उनको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये सेट करके दिया ना कि उनको मैं आज के डेट में यही बोलता हूँ कि आज मैं अगर सरकारी नौकरी कर रहा होता तो आज मैंने दो चार सालों में जो कर चुका हूँ वो शायद पूरे लाइफ टाइम में जॉब करके भी नहीं कर सकता था वो आप लोग मुझे अगर फॉलो करते थे आपको पता है अब उनको समझ में आता है कि हाँ रियलिटी सही बात बता रहा तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा विदाउट प्रूफ का को कोई नहीं मानता कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो एक गलती कर रहे हो यहाँ पे छोटी सी आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो इनसे ये जो कम्पेरिजन है ये लाइफ में हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि आज अगर ये भी चाहें तो अपने आप को और जो यूट्यूबर्स हैं उनसे कंपेयर कर सकते हाँ, हैं जैसे सौरभ है। जोशी यहाँ पर आए थे बिल्कुल सर उनकी वीडियो पे देखो कितने व्यूज है हैं और उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और वो कितना कमा रहे हैं तो अगर ये भी आज बैठ करके कंपेयर करने लग जाएंगे तो ये दुखी हो जाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अठारह साल की एज में कोशिश करी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी आपकी लग गई ना तो आज अगर फैमिली वाइज देखा जाए तो आप एक अच्छी खासी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो फैमिली खुश है सब कुछ सही है अपने आप को अगर कंपेयर करोगे उन लोगों से जिन्होंने उतना अचीव नहीं किया जितना आपने किया है तो आप सुखी हो और अगर अपने आप को कंपेयर करोगे ऐसे लोगों से जो आपसे आगे निकल गए हैं, तो आप दुखी हो ये तो लाइफ में हमेशा ही रहेगा मैं भी आज बैठ करके यहाँ पे कंपेयर करता हूं अपने आप को किसी ऐसे ऑन्टर से उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी उन्होंने ये कर दिया उन्होंने वो कर दिया मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं यहाँ पे वेला बैठा हुआ आप लोगों के साथ में टाइम पास कर रहा हूँ वो भी वीकडे वाले दिन जिस दिन मुझे आइडली काम करना चाहिए बिजनेस में अपना दिमाग लगाना चाहिए पैसा कमाना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं इससे मुझे क्या फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है कुछ भी नहीं तो अगर मैं अपने आपको गलत तरीके से कंपेयर करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा तो हर एक की अपनी अपनी लाइफ की सिचुएशन होती है सर्कमस्टांस होते हैं फैमिली बैकग्राउंड होता है मेंटल स्टेट्स होती है जो चेंज होती रहती है लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम टैकल कर रहे होते हैं हेल्थ होती है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं तो पास्ट में तो जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको छोड़ दो देखना ही है तो पॉजिटिवली देखो या वहां से कुछ सीख लो अब क्या सीख सकते हो आप सात साल पहले जो आपने करा उससे कुछ आपने सही किया कुछ गलत किया सही किया उसकी वजह से आज आपके पास में गवर्नमेंट जॉब है गलत क्या किया कि आपने वीडियो तो बनाई उसको अपलोड नहीं करी तो ये गलती हो गई ना तो इस गलती से क्या सीखना है कि जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है तो कल पे नहीं डालना है जैसे मेरे अंदर से आया कि मीट योर यूट्यूबर वाला कुछ करना है करना है जी उसके दो दिन के अंदर अंदर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी मीट योर फेवरेट यूट्यूबर करके उसके बाद में हमारे पास में ईमेल्स आ गई जैसे इनकी आई ऐसे बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आ गई मैंने अब वो प्लान हो गए मिनट में अच्छा पांच मिनट के अंदर अंदर आपने मेल कर दिया था ओके तो उसी दिन हमारे पास में बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आ गई फिर एक एक करके सेशंस प्लान हो गए अब हालत यह है कि हफ्ते में चार चार सेशंस हो रहे हैं और अक्टूबर तक की सारी डेट्स जो है वो बुक हो चुकी है तो हुआ क्या अगर मैं बैठ करके सोचता रहता कि करूं ना करूं करने के क्या प्लस माइनस है नहीं करने के क्या प्लस माइनस है वोट एवर तो कुछ कर ही नहीं पाता किया ना एक्शन लिया ना तो एक्शन लो लाइफ में थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट वाज प्लेजर मीटिंग यूम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग